हेलो गाइस, आई एम सत्यम फ्रॉम द टेकी फ्रेंड्स एंड दिस इज 14 पार्ट ऑफ बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम फॉर्म्स के कुछ और एडवांस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कुछ समझेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट के वीडियोस में हमने फॉर्म्स के उन क्लासेस को देखा जिन क्लासेस का यूज करके हम अपने एक फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं, और इस वीडियो में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स बताऊँगा उन फॉर्म्स में आप जिनको आप ऐड कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले इनपुट फील्ड के लिए कुछ मैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीचर्स बताने जा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक रो क्रिएट किया है। अब इन रो के अंदर मैं कॉलम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो हमारा कॉलम्स होता है वो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो मैं क्या काम करता हूँ कि अपने एक मीडियम डिवाइस के लिए मैं उस 12 कॉलम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, यानी 4-4 के इक्वल्स पार्ट में मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ। और मैं 3 इनपुट फील्ड आपको यहाँ पे क्रिएट करूँगा, और उन 3 इनपुट फील्ड्स पे मैं आपको अलग अलग फीचर्स में बताऊँगा कि आप किस तरीके से अपने उन जो आपके टेक्स्ट फील्ड होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हो कि जो आपकी टेक्स्ट फील्ड है वो कहीं कहीं पर आप उसको एक लार्ज यूज़ करना चाहते हो, कहीं पर आप छोटा यूज़ करना चाहते हो, तो आप उसको किस तरीके से डिज़ाइन करोगे, तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लास ऐड करूँगा जो कि कॉलम होगी, और ये जो कि हम मीडियम डिवाइस के लिए यूज़ कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा 12 को, तो ये 4-4 के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर इनपुट एंड इसका टाइप मैं टेक्स्ट, ओके। तो बाकी सारी चीज़ अभी मैं यहाँ पे ब्लैंक रहने देता हूँ। यहाँ पे हम एक क्लास ऐड करते हैं, क्लास इक्वल्स टू जो कि फॉर्म कंट्रोल, और इस चीज़ को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज़ कर लेता हूँ, प्लेस होल्डर इक्वल्स टू, या फिर मैं लिख देता हूँ दिस इज दी डिफॉल्ट फील्ड, और ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, और मैं ब्राउज़र पे जाके आपको रन करके इसको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि दिस इज़ इनपुट फील्ड। आपको यहाँ पे शायद ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बॉडी की थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देता हूँ। स्टाइल इक्वल्स टू एंड इसका बैकग्राउंड मैं दे देता हूँ ऑरेंज, एंड इसको मैं सेव करता हूँ, और फिर से ब्राउज़र पे जाके इसको मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि ये हमारी डिफ़ॉल्ट फील्ड होती है जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे कि फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि आपकी ये जो टेक्स्ट फील्ड है ये आप कहीं कहीं पे इसको थोड़ा से या फिर इससे थोड़ा स्मॉल या फिर इससे थोड़ा आप लार्ज यूज करना चाहते हो, तो उसको आप किस तरीके से अचीव करोगे, चलिए उसको हम देख लेते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ कि इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ इसी को 2 times, ओके। आपको कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पे आपने इन क्लासेस को यूज किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लार्ज चाहते हो तो मैं यहाँ पे बस आपको एक क्लास और यूज करनी है, इनपुट एलजी, लार्ज के लिए आपको इनपुट एलजी यूज करनी है, और यहाँ पे आपको यूज करनी है इनपुट, जैसा कि इनपुट, और हमको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्मॉल डिवाइस के लिए चाहते हैं तो SM यूज यहाँ पे करना है, और मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ, स्मॉल फील्ड हो गई, एंड ये हो गई लार्ज फील्ड, और इसको मैं सेव करता हूँ, और फिर से मैं ब्राउज़र पे जाके आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, शायद थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक हुई है, और माफ़ कीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसके बीच में आपको हाइफन यानी माइनस का साइन लगाना है जहाँ पे आपने इन क्लासेस को यूज किया है, एंड माइनस, और फिर से इसे मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे जाकर को रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो हमारी फील्ड है ये स्मॉल फील्ड है इसके कंपेयर में, जो कि ये डिफ़ॉल्ट होती है, और ये फील्ड है ये जो कि लार्ज फील्ड है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनपुट फील्ड्स को आप अचीव कर सकते हो। अब मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि ड्रॉप डाउन सेलेक्ट मेन्यू आप किस तरीके से बना सकते हो, माफ़ कीजिएगा, ड्रॉप डाउन है सेलेक्ट लिस्ट आप किस तरीके से बना सकते हो। जैसा कि आप कोई फॉर्म वगैरह जब भी फिल करने जाओ, ऑनलाइन कोई फॉर्म आप भरने जाओ, तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करने को आता है आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, इन सारी चीज़ों को आप कैसे आप उस चीज़ को कैसे डिज़ाइन करोगे। तो चलिए हम उन चीज़ों को देख लेते हैं।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस चीज़ को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे अब जैसे कि अभी हमने इनपुट फील्ड के बारे में देखा, हमने उसको 3 टाइप से डिज़ाइन किया, स्मॉल, डिफ़ॉल्ट और लार्ज डिवाइस के लिए। तो हम मैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट जो फील्ड है हमारी, उसको मैं आपको 3 तरीके से डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। तो फिर मैं यहाँ पे वही काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ कॉल, जो कि मीडियम डिवाइस के लिए होगी, और उसकी साइज़ मैं 4 दे देता हूँ, और इसको मैं एंटर करता हूँ। और जैसा कि आपको सेलेक्ट लिस्ट को बनाने के लिए आपको एक क्लास ऐड करनी होती है, सबसे पहले तो हम सेलेक्ट लिखते हैं, ओके। तो लिखते हैं सेलेक्ट, एंड यहाँ पे हम एक क्लास ऐड करेंगे जिसका नाम होगा फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, एंड एंटर। तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, इसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ, एंड यहाँ से मैं एंटर करता हूँ। और उसके बाद अब हमें यहाँ पे ऐड करना है ऑप्शन, जो जो आप ऑप्शन यहाँ पे आप देना चाहते हो। तो ऑप्शन यहाँ पे होगी वैल्यू, यहाँ पे अभी मैं कुछ नहीं देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज डिफ़ॉल्ट फील्ड, ओके। हाँ, फील्ड, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट फील्ड। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस ऑप्शन को मैं कॉपी करता हूँ, मैं 2-3 ऑप्शन आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ओके। सो इसे मैं सेव करता हूँ, मैं ब्राउज़र पे जाके आपको रन करके इसको मैं दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहोगे कि ये हमारा सेलेक्ट लिस्ट आ चुका है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से वो सेलेक्ट लिस्ट, जो कि आप यहाँ पे जो भी आपने वैल्यू दी है, जैसे कि मैं आपको अगर मिनिमाइज़ करके दिखाऊँ इसको, तो आप यहाँ पे देख पा रहोगे कि जो जो हमने वैल्यूज़ दी हैं यहाँ पे, दिस इज़ स्मॉल फील्ड, दिस इज़ स्मॉल फील्ड, माफ़ कीजिएगा, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट फील्ड, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट फील्ड, तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। तो ये तो डिफ़ॉल्ट फील्ड है। अब हमें क्या करना है कि मेरे को क्या करना है कि इसी चीज़ को हम, जैसा कि अभी हमने इनपुट फील्ड के लिए देखा, हम इसको, जैसा कि ये डिफ़ॉल्ट फील्ड है, अगर आप चाहते हो कि ये इससे थोड़ा स्मॉल हो या फिर इससे ये थोड़ा लार्ज हो, तो आपको क्या करना है, फिर से वही काम करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ आप यहाँ पे कॉपी करो एंड पेस्ट, एक बार इसको मैंने पेस्ट किया सेकंड टाइम, और यहाँ पे वही आपको जो आपने लास्ट, जो ऐसा कि इनपुट फील्ड के लिए आपने जो क्लास यूज की थी, आपको यहाँ पे इनपुट इनपुट एंड फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे स्मॉल के लिए बना रहा हूँ तो SM, एंड उसके बाद फिर यहाँ पे इनपुट एंड इनपुट, यहाँ पे मैं जैसे कि लास्ट डिवाइस के लिए बना रहा हूँ तो ये लास्ट डिवाइस के लिए हो जाएगा, और यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो, नहीं तो वैसे ही रहने देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं लार्ज कर देता हूँ, ओके। सो और इस फील्ड को जैसा कि हम स्मॉल के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसको मैं क्या करता हूँ, स्मॉल यहाँ पे मैं इसे रहने देता हूँ, इन सारी चीज़ों को मैं स्मॉल में कन्वर्ट कर देता हूँ, ओके। और इसको मैं सेव करता हूँ, और मैं फिर से ब्राउज़र पे जाके इसको मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहोगे कि ये 3 डिफरेंट टाइप्स थी कि जो सेलेक्ट लिस्ट हमारी है वो आ चुकी है। ये मीडियम होता है जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, ये स्मॉल हो गया, और ये यहाँ पे लार्ज हो गया। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट ऑप्शन को डिफरेंट टाइप से और डिफरेंट आप जिस तरीके से चाहो उसे आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये सारा चीज़ था सेलेक्ट ऑप्शन के लिए। अगर आपको सेलेक्ट लिस्ट बनानी है तो आप उसको किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको अपने फॉर्म के अंदर कोई टेक्स्ट एरिया डालना है तो आप उसको किस तरीके से डाल सकते हो। तो बाकी सारी चीज़ें मैं वैसे ही रहने देता हूँ, और आपको कुछ नहीं करना है, बस एक टेक्स्ट एरिया नाम का एक फील्ड आपको क्रिएट करना है, टेक्स्ट एरिया, ओके। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें फालतू हैं, इसको अभी यहाँ पे आपको कोई मतलब नहीं, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। बस मैं यहाँ पे सिंपल इसको टेक्स्ट एरिया रहने देता हूँ, और सिर्फ यहाँ पे एक क्लास मैं आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ, उस क्लास का नाम जो कि अभी हम यूज करते आ रहे हैं, फॉर्म कंट्रोल, ओके। एंड इसको मैं सेव करता हूँ, और फिर से मैं आपको ब्राउज़र पे जाके इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये सेलेक्ट एरिया आपके पास आ चुका है, जो कि काफ़ी स्मॉल है। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, और आप देख रहे होगे कि ये जो है ये स्क्रॉल हो जाएगा, आप यहाँ पे इसे स्क्रॉल करके देख सकते हो। फ्रेंड्स, इसका दूसरा सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक यहाँ पे टेक्स्ट इंटर करके मैं पहले आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने कुछ टेक्स्ट को यहाँ पे कॉपी किया है, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे काफ़ी सारा टेक्स्ट है, आप देख रहे होगे जब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। तो
अब जैसा कि इसको हमें ऐसे स्क्रॉल करके पढ़ने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही, तो आप यहाँ इसको साइड से आप पकड़ के आप इसको क्या कर सकते हो कि आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। अभी आप देख रहे होगी कि ये जैसे जैसे मैं इसको यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा हूँ, जो भी हमारा टेक्स्ट था वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा रीडेबल हो जा रहा है। आप इसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, आप इसको जिस तरीके से चाहो आप इसको उस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट एरिया को क्रिएट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक एडवांस फीचर्स हैं जो कि हमने फॉर्म्स के बारे में देखे। और तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।